यवतमाल जिले के दिग्रस शहर में बीते 20 से 25 सालों से सरकारी वेतनधारी शिक्षकों द्वारा नियमों को ताक पर रखकर ट्यूशन क्लासेस का गोरख धंधा खूब फल फूल रहा है। कोरोना काल में भी मनाए के बाद भी ट्यूशन क्लासेस हाउसफुल चल रहे हैं। इसके लिए शिक्षा विभाग की जानते बूझते जारी लापरवाही और संस्था चालकों की मौन वृत्ति जिम्मेदार है। पेश है दिग्रस संवाददाता जुबेर खान की ये रिपोर्ट। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा और शिक्षकों का अहम योगदान होता है, लेकिन बीते कुछ सालों से शिक्षा क्षेत्र का तेजी से जो व्यवसायीकरण हुआ है, उसके बाद तो जैसे शिक्षा दान के पवित्र कर्म के मानो मायने ही बदल गए हैं। स्कूल और कॉलेजों के सिलेबस को निजी ट्यूशनों में पूरा किया जा रहा है, तो वहीं शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले स्कूल और कॉलेजों में विद्यार्थी केवल औपचारिक उपस्थिति दर्शाने चले आते हैं। ऐसा ही नज़ारा दिग्रस शहर के शिक्षा क्षेत्र का भी है। बीते 20 से 25 सालों से यहाँ नामांकित स्कूलों और जूनियर कॉलेजों के सरकारी तनख्वाह पर कार्यरत शिक्षकों का ट्यूशन क्लासेस का बाजार, संस्था चालकों की मुखसम्मति और शिक्षा विभाग की अंधाधुंध लापरवाही से धड़ल्ले से फल फूल रहा है। हालांकि सूत्रों की माने तो दिग्रस के आसपास की तहसीलों में सरकारी तनख्वाह पाने वाले शिक्षकों की ट्यूशन क्लासेस चलने नहीं दी जाती, जबकि दिग्रस में करीब 1,00,000 रुपए प्रति माह तनख्वाह पाने वाले विज्ञान विषयों के शिक्षकों ने सरकारी नियमों को पैरों तले रौंदते हुए जीव शास्त्र, रसायन शास्त्र और भौतिक शास्त्र जैसे विषयों को मानो अवैध कमाई का शस्त्र बना लिया है। यह शस्त्र भी कमाल का शस्त्र है, क्योंकि इसी शस्त्र के जादुई इस्तेमाल से ट्यूशन लगाने वाले विद्यार्थियों के प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर आ जाते हैं और जो लोग ट्यूशन नहीं लगा पाते उनके नंबर घटाए भी जा सकते हैं। इस शस्त्र के इस्तेमाल से अभिभावकों के दिलों में बच्चों के शैक्षिक भविष्य का डर और उनके करियर की फिक्र को आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है, जिस वजह से पेरेंट्स यानी अभिभावक मुंह मांगी फीस अदा करने को एक पैर पर राजी हो जाते हैं। गौरतलब है कि कई शिक्षकों ने रेगुलर क्लासेस के नाम पर स्कूल और जूनियर कॉलेजों में मानो ट्यूशंस खोल रखी है। इन शिक्षकों ने इस काम में अपनी गुटबाजी से तगड़ी पैठ बना ली है कि वे प्रिंसिपल और मुख्याध्यापक की भी नहीं सुनते और ना ही संस्था चालक इन्हें टोकते हैं। ऐसा नहीं है कि शिक्षा विभाग इस सारी हकीकत से अनजान है, उसे सब पता है, लेकिन शिकायत मिलने के बाद ही कार्रवाई करने की उसकी मानसिकता या कथित नियम ही दिन ब दिन बदहाल हो रहे शिक्षा क्षेत्र के लिए मारक और कारक दोनों है। वैसे तो COVID-19 के कथित दिशा निर्देशों के तहत स्कूल और कॉलेज फिलहाल बंद है, लेकिन फिर भी शिक्षा विभाग और संबंधित स्कूल कॉलेजों के संस्था चालकों के नाक के नीचे कई सरकारी तनख्वाह पाने वाले शिक्षकों के घरों में या किसी अन्य निजी जगहों पर ट्यूशन क्लासेस के शो हाउसफुल जारी है, फिर भी शिक्षा विभाग आंखें मूंद कर बैठा है। यही वजह है कि शहर में सरकारी तनख्वाह वाले ट्यूशन एक्सपर्ट शिक्षकों पर नकेल कसने की मांग शहर के जागरूक अभिभावकों और नागरिकों द्वारा शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से की जा रही है। वैसे आगामी सोमवार से स्कूल और कॉलेज शुरू हो रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि क्या सोमवार के बाद आगे भी सरकारी तनख्वाह वाले शिक्षकों का ट्यूशन क्लासेस का गोरख धंधा यूं ही जारी रहता है या फिर शिक्षा विभाग अपने आंखों से अंधेपन का चश्मा हटाता है। BCN न्यूज़ के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।